नमस्कार। कर्म बड़ा या भाग्य, इस दुनिया में सदियों से एक बहस चली आ रही है। कोई कहते हैं कर्म बड़ा, कोई कहता है भाग्य बड़ा, लेकिन आज दिन तक कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुंच सका है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। कुछ लोगों के जीवन में भाग्य साथ देता है तो वो कहते हैं भाग्य ही सब कुछ है। कुछ लोगों को कर्म करते हुए सफलता मिलती है तो वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। लेकिन वास्तव में है क्या कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा? एक छोटी सी स्टोरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे आप खुद निष्कर्ष निकाल लोगे कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि बिना कर्म किए हुए इंसान का भाग्य आगे नहीं बढ़ सकता है, कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का भाग्य पहले ही लिखा जा चुका होता है, परंतु जैसे जैसे वो कार्य करता है, जैसे जैसे वो कर्म करता है, उसका भाग्य बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के बिना इंसान का जीवन नहीं चल सकता है। अगर भाग्य हट जाए तो इंसान का जीवन नहीं चल सकता, और अगर कर्म भी हट जाए तो इंसान का जीवन नहीं चल सकता है। इंसान का जीवन चलाने के लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो वो मोटिवेशन स्टोरी क्या है आप ये देखिए। एक बार देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं, हे प्रभु, इस धरती पर बहुत ही अत्याचार बढ़ गया है। जो लोग अधर्म कर रहे हैं, जो लोग छल कर रहे हैं, जो लोग कपट कर रहे हैं, उनका तो हित हो रहा है, और जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका अहित हो रहा है प्रभु। तो ये कैसा कर्म है लोगों का, ये कैसा भाग्य है? जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनको तो अच्छी चीजें मिल रही हैं, और जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दुख मिल रहा है। भगवान ये कैसी लीला कर रहे हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु ये तो अच्छा नहीं हो रहा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि बताओ ऐसी क्या घटना तुमने देखी? तो देवराज इंद्र कहते हैं कि एक चोर रास्ते से गुजरता होता है, गाय को देखता हो, गाय दलदल में फंसी हुई होती है, लेकिन वो गाय को नहीं निकालता, वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे चला जाता है, और रास्ते में उसको सोने की पोटली मिल जाती है। देखिए प्रभु, उसने गलत कार्य किया फिर भी उसे सोना मिल गया। वह एक व्यक्ति आया दूसरा, उसने उस गाय को देखा, उस गाय को दलदल से निकाला, और जब वो आगे गया तो वो कुएं में गिर गया। प्रभु ये कैसा अन्याय है, जो अच्छा कर रहा है उसके लिए बुरा हो रहा है, और जो बुरा कर रहा है उसके लिए अच्छा हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए। तो इंद्र पूछते हैं कि भगवान जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा कैसे, आप बताइए मुझे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वो चोर वहां से आता है और वो गाय के ऊपर पैर रख कर निकल जाता है, गाय को नहीं निकालता। उस चोर के किस्मत में सोने का महल था, लेकिन उस चोर ने अधर्म किया तो उसे छोटा सा ही सोने की पोटली से संतुष्ट करना पड़ा। और दूसरा व्यक्ति जिसकी भाग्य में मौत थी, उसने उस गाय को बचाया, लेकिन वो सिर्फ कुएं में गिरा, मरा नहीं, क्योंकि उसने अपने कर्म से मौत को टाल दिया। और उस चोर ने अपने कर्म से अच्छा मिलना था लेकिन उसे बुरा मिल गया, उसे सोने का महल मिलना था लेकिन उसे मिला क्या, सोने की पोटली। तो देवराज इंद्र समझ गए कि इंसान जैसा कर्म करता है ना, वैसा ही उसका भाग्य बदलता रहता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे ना, वैसा ही आपका भविष्य में आपका भाग्य बदलता रहता है। बुरे कर्म करोगे तो भाग्य अच्छा होगा, तो भी आपके लिए बुरा बन जाएगा, और अच्छे कर्म करोगे ना तो भाग्य आपके लिए बुरा होगा, तो भी आपके लिए अच्छा बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके भाग्य पर। चाहे आपके भाग्य में कितनी मुश्किलें लिखी हो, चाहे आपके भाग्य में कितनी असफलता लिखी हो, और चाहे आपके भाग्य में कितना ही दुख क्यों ना लिखा हो, अगर आप कर्म अच्छे करोगे ना तो आपका भाग्य भी एक दिन आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। इसलिए कर्म करते रहना, अच्छे कर्म करते रहना, आपका भाग्य भी एक दिन आपका साथ अवश्य देगा।